हे गाइस, कैसे हैं आप सब? तो हम आशा करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। तो चलिए, यहाँ पर साग आ गया है। ये देखिए, सरसों का साग है, मेथी है, बट यहाँ पे मैं मेथी पत्ता वाली नहीं डालूंगी। ये तो पराठे के लिए रख लेंगे, क्योंकि ये भी एक बेस्ट रेसिपी है सर्दियों की। देखिए कितना वजन है इसमें। और चलिए, मैं आपको लेके चलती हूँ चूल्हे पे, जो मैंने बड़े प्यार से बनाया है, मिट्टी की हांडी। और मिट्टी के चूल्हे पे, सॉरी, मिट्टी के चूल्हे नहीं, सीमेंट के चूल्हे पे जो मैंने बनाया है बड़े प्यार से, उसी पे इस साग को बनाने जा रही हूँ एकदम। क्योंकि ये देसी तरीका, एकदम पंजाबी तरीका होता है ये, और पंजाबी है ना, साग खाना बहुत पसंद करते हैं सब। तो चलिए गाइस, हम भी अपने स्टाइल में बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो आप न्यू आए हैं चैनल पे, आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो नीचे ठीक लाल कलर में लिख रहा है ना सब्सक्राइब, ये बिल्कुल फ्री होगा, इसे काला कर लें, क्योंकि इसमें आपका नेट ही नहीं कटता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, यहाँ पे मैंने साग को साफ़ कर लिया था पहले, और अब मैंने दरांत रखा है, और नीचे मैंने रखे जो माइका और पिलाई से, मैंने अपने आप दोनों तरफ माइका लगवाई थी, और पिलाई की ये जो पटड़ी बनवा रखी है, पटड़ा, इस पे मैंने ये दो बनवा रखे हैं मैंने। तो यहाँ रख के मैंने कट कर लिया है साग को, और यहाँ पे मैंने इस बार है ना साबत नहीं धोया था साग को मैंने जल्दी की वजह से पहले, क्योंकि इसमें अब धोऊंगी मैं, साथ के साथ काट रही हूँ, बना रही हूँ, अब धोऊंगी ना तो इसमें पानी निकलने में टाइम लग जाएगा, और ये इधर उधर चिपका फिरेगा, तो इसलिए ये चिपके ना, सूखा सूखा रहे, तो मैं इसलिए पहले इस बार कट कर रही हूँ और बाद में धोऊंगी कट करने के बाद। लेकिन याद रहे गाइस, कभी भी है ना, आप साग को, कोई सा भी साग हो आपका, हरी भाजी जो होती है इस तरह की, जैसा कि ये सरसों का बंगा का साग है, तो कट करके ना धोएं, क्योंकि जितना भी इसका जो अपना है आप में एक स्ट्रोंग पना होता है ना, वो सब निकल जाता है इसका, क्योंकि आप जब मैं धोऊंगी ना और इसमें बाल्टी में से बाहर निकालूंगी, तो इसका पानी आप खुद पे खुद देख लेना कि साग के अंदर की जो जान थी ना, जो ताकत थी, वो सब निकल चुकी है, अब आधी रह जाती है। तो इसलिए है ना, पहले ही धोने धोना चाहिए सावत जो होता है साग को, आप सावत ही धो लें, और फिर उसे किसी चल्ले में रख लें, उस चल्ले की मदद से सारा पानी निकल जाता है, चिपकता भी नहीं है, और आधे घंटे के बाद आप इसे कट कर सकते हैं दरांत से, या फिर साग काटनी मशीन से। साग काटनी मशीन से मुझे पसंद नहीं है, मेरे पास है, और ना ही ये ज़्यादा महंगी आती है, पर इससे मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें है ना मशीन में अंदर ही साग खुद पे खुद ही बन जाता है, वो कड़वा कड़वा सा हो जाता है, तो इसलिए। और यहाँ पे है ना ये बनता है एकदम बढ़िया, एकदम अपने स्वाद में, पंजाबी स्टाइल में हम आज साग बना रहे हैं यहाँ पे, जिस तरह से गांव में बनता है, और माटी की हंडिया और माटी के चूल्हे पे, सॉरी माटी का नहीं है, मैंने वो सीमेंट और डस्ट और बजरपुर का बनाया था चूल्हा, तो मुझे वो बहुत पसंद है, और मैं उसे उसी से साफ़ करती हूँ, लीपती हूँ, कभी मिट्टी से लीप देती हूँ, कभी उसे कली से लीप देती हूँ, कली नहीं, वाइट सीमेंट रखा है उससे लीप देती हूँ, वो जो होता है फुट्टी जो होता है दीवारों पे करने वाली, वो बचरी थी ख़राब है उससे लीप देती हूँ, कभी मिट्टी से लीप देती हूँ। तो यहाँ पे है ना मैंने पानी रख दिया था हांडी में, और पानी पहले से उबल रहा था, तो पानी हमारा पहले भी ज़्यादा था, इसलिए हांडी में ज़्यादा भी नहीं था, 1 लीटर पानी था, बट एकदम जला पड़ा था। तो मैं इस तरह से निचोड़ निचोड़ के डाल लूँगी इसे पानी को सबको, क्योंकि अगर पानी मैंने ज़्यादा डाला ना इस हांडी में, तो ये तड़क के है ना नीचे गिर जाएगी चूल्हे में। तो आप, मैं बोल रही थी ना कि हरा हरा पानी निकलेगा, तो देखिए हरा पानी निकला है, क्योंकि मैंने काटने के बाद धोया साग। आप बिल्कुल भी ये गलती ना करें, क्योंकि काटने से पहले ही धो लें आप, और आधे घंटे बाद काटें। तो यहाँ पे मैंने मेथी है ना, मेथी मैंने साबत डाल ली है, मेथी दाना, और मेथी की गुच्छी मेरे पास थी पर मैंने डाली नहीं है क्योंकि पराठे के लिए रोक ली है। मेथी दाने का स्वाद और भी अच्छा आता है, और येलो कलर में भी बदल जाता है साग हमारा। तो यहाँ पे नमक और मेथी दाना मैंने डाल के साग में नीचे को कर दूंगी इसे, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ऐसे ही करेंगे 2 से 3 बार, बस 1 से 2 बार या दो दो 3 बार करना है। और क्योंकि आँच तकड़ी लग रही है चूल्हे में हमारे, और
ये अच्छे से गल जाएगा। इसे हम ढक देंगे इस तरह से, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करेंगे पहले। और ज़्यादा पानी अगर आपको घना ज़्यादा दिख रहा है ना, तो आप कटोरी लें एक या फिर कोई कड़छी लें, और उससे आप छील के पानी नहीं पीसना इसका चाहिए, निकाल ऐसे के पीस लेते अलग हैं, रख वो सकते आपकी और हैं, इच्छा अकॉर्डिंग बात है। क्योंकि धुलावा यहाँ साग पे है मैंने हमारा, ये कुछ पानी हमारा ज़्यादा मिर्ची आलन नहीं में खाते काम हैं, आ बच्चे सकता भी है। अच्छे से खा लेते हैं, इसलिए अब यहाँ मैंने पे मैं आलन लहसुन तैयार और ये करनी मिर्ची है। ली है। हरी मिर्ची का टेस्ट अलग आता है, जो ये पिसी हुई होती है। और देखिए ये मैं डालती हूँ कुछ 4 से 5 मिर्ची डालती हूँ मैं, छोटी लाल मिर्च। तो इसे हम पीस लेंगे, इसमें अदरक और डालेंगे। अभी हम यहाँ पे हम चुटकी भर लेंगे हींग, देखिए चुटकी भर हींग है, इसे भी इसमें डाल देंगे। और चुटकी भर ही आप तड़के में डाल सकते हैं, देखिए छोटी गांठ है अदरक की, इसे आप डाल सकते हैं चक्कू से कट करके। अभी इसे हम थोड़ा, जो मक्के का आटे का आलन लगाते हैं आप, तो मक्के का डालें। और यहाँ पे आलन के लिए साथ ही साथ के साथ है ना, अच्छे से पिस जाता है ये। और यहाँ पे ज़्यादा नहीं लूँगी मैं, बस छोटी छोटी सी 2 मुट्ठी लेंगी मैं। यहाँ पे ना मक्के के आटे का आलन नहीं लगा रही हूँ मैं, यहाँ पे गेहूँ के आटे का आलन लगा रही हूँ। आप चाहे इसमें बेसन भी डाल सकते हैं, जैसे कि चने के पेड़ों का साग होता है, चने के जो हरा चना होता है उसका साग होता है, तो आप बेसन भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं खाली यही डाल रही हूँ, ठीक है। अब हम इसमें पानी डालेंगे जो ये अच्छे से पिस सके। तो ये हमने अच्छे से पिस पीस लिया है, देखिए। और इसे अब हम रख देते हैं अलग और देख लेते हैं अपने साग को गला है कि नहीं। देखिए ये करीब करीब गल ही गया है, अब फिर भी इसे ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देते हैं और एक बार देख लेते हैं। इस तरह से कुछ देखिए गल चुका है, मैं इसे अब घोटना चालू करती हूँ। तो यहाँ पे तार के रख लूँगी मैं, मैंने ये रख लिया है क्योंकि नहीं तो मूलने का खतरा रहता है, हंडी इसका मिट्टी की हंडी होती है इसलिए। तो यहाँ पे रख के मैं इसे घोटती हूँ। इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से घोटेंगे इसे। पानी इसमें सही है, ना ज़्यादा ना कम। चूल्हे पे धर के और तब घोटेंगे, क्योंकि अब ये थोड़ा ठंडा हो चुका है। देखिए इस तरह से इतना मैंने घोट लिया इसे, और चूल्हे पे धर के पकता भी रहेगा और घुटता भी रहेगा। तो चलिए मैं इसे चूल्हे पे धरती हूँ। तो अब है ना, ये जो हमारा मैंने पीस के रखा था ना, ये आलन भी है, आलन हींग जो भी है आपने देखा है, बैक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें गर्म पानी डाल के गाइस जब भी डालें इसे, क्योंकि गर्म पानी डाल के ही इसे सही रहेगा। मैं बताऊंगी क्यों, क्योंकि अगर आप इसमें है ना चूल्हे पे रखिए, आपकी कच्ची मिट्टी की हंडी होती है ये, सॉरी पकी भी होती है पर मिट्टी की होती है, कच्ची होती है साग की हंडी। तो अगर आप ठंडा पानी डालोगे इसमें तो ये एकदम से चटक पटक हो गया ना, चटक पटक हो गया, ये सारा आपकी मेहनत है ना चूल्हे में सारी बिखर जाएगी। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा डाल लें इसे इस तरह से, और ठंडा ना डालें, गर्म ही डाल लें। मैंने गरम करके रखा था और गरम पानी में ही मैंने इसे पीसा है जो ये है। अब इसमें भी है ना थोड़ा सा गरम पानी डाल लेंगे हम, पर इसे अभी नहीं डालेंगे हम। ये देखिए मैंने इसमें गरम पानी डाल के रख दिया है, अभी नहीं डालेंगे इस पानी को हम। जब हमारा साग अच्छे से घुट जाएगा एकदम बारीकी से, तब डालेंगे पानी, ठीक है। तो इसे हम पहले घोट लेते हैं अच्छे से। आलन लगाने के बाद अगर पानी हम साथ में डाल देंगे तो ये पतला हो जाएगा और ये घुटेगा नहीं ज़्यादा अच्छे से। साग मेहंदी की तरह नहीं घुटता है ना, तो उसका एक यही रीज़न होता है कि आपने है ना आलन के साथ में इसमें पानी डाल दिया है, और आपने इसमें आप फिर घोटेंगे कितना ही घोटते रहो फिर ये घुटता नहीं है, ये ऐसे ही रह जाता है। तो इसलिए आलन के बाद में पानी ना डालें और इसे इस तरह से घोटते चले जाएँ। आँच बल लिए नीचे चूल्हे में, तो आइए जल्दी से घोटा मचा देते हैं इसमें। और इस तरह से देखिए अभी इतना घोटा है, अच्छे से घोटना है, तो जल्दी 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 घोटना है। और यहाँ पे मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है, मैं कई बार घोट चुकी हूँ, कई बार यहाँ पे बना चुकी हूँ। मायके में तो नहीं बनाया बट यहाँ पे अपने बनाती कलर में, जो इसका नेचुरल कलर है ना एकदम येलो येलो कलर है इसका, यहाँ देख सकते हैं। मैंने हरी मिर्च भी डाल ली है इसमें पीस के। तो चलिए जो मैंने गर्म पानी रखा था ना मैंने अच्छे से घोट लिया है इसे।
घुट्टा लगा लिया है, घुट्टा मचा दिया, और उसके बाद में ये बथवे का आलन का जो पानी देखिए आलन आ रहा है इसमें, ये मैंने गर्म पानी डाल दिया है, थोड़ा वो डालेंगे। आप अपनी इच्छा अकॉर्डिंग, जैसे कि आपकी इच्छा है पतला ज़्यादा रखते हैं साग को, या फिर हार्ड सा रखते हैं, थोड़ा सा टाइट रखते हैं साग को, कैडा रखते हैं, तो उस तरह से उसी हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा घुट्टा और मचा दूँगी इसमें, क्योंकि इससे ये पानी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाता है, ये अलग अलग नहीं होता। जैसे कि पानी अलग होता है, साग अलग होता है ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे बोलते हैं सिंपल भाषा में पनीला, तो पनीला वो अच्छा नहीं लगता। तो आपको गाइस मेरी ये रेसिपी है ना कैसी लगी, प्लीज़ प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना प्लीज़। और अगर चैनल पे न्यू है ना, वीडियो पहली बार देख रहे हैं मेरी, और अभी तक अगर आपने नहीं करा है ना चैनल को सब्सक्राइब, ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका डाटा नहीं कटता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन सबसे ऊपर आल वाली प्रेस करें, कमेंट करें। और जो गाइस साग के हैं ना चाहते सभी बहन और भाई, सभी आपके व्हाट्सअप पे जो है ना सब पे शेयर कर दें। ये मेरी कच्ची हांडी और कच्चे चूल्हे पे साग रेसिपी, सर्दियों की बेस्ट, क्योंकि मैं ना गाइस बहुत ज़्यादा मेहनत करके मैं भी एक आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, और अपने चैनल पे, और इस तरह की वीडियोस मैं लेके आती रहती हूँ, वैसे तो हर प्रकार की, बट वैसे मैं ज़्यादा रेसिपीज़ लेके आती रहती हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। मैंने काफ़ी बारीक ये घोट दिया है, चमक नहीं रहा है क्योंकि रात हो रखी है, और यहाँ पे ना एक लाइट भी ऑन नहीं है, बस मैंने करी नहीं है क्योंकि इतनी लाइट काफ़ी है। इसका जो अपना नेचुरल एक कलर है वो काफ़ी अच्छा है, जो आपको कैमरे में नहीं दिखाई दे रहा है। अब आप गाइस ये बताइए कि आप कौन से चीज़ से तड़का यानी छोंक पसंद करते हैं साग में, या फिर आप जिस टाइम बनाते हैं साग को उस टाइम छोंकते हैं या नहीं छोंकते, तड़का लगाते हैं या नहीं। तो मुझे है ना एक तो हींग और लहसुन, और ये जो है ना ये रेड चिलीज़ है ना, ये मुझे बहुत पसंद है साग में, साग दाल रायता कढ़ी और भुज्जी इसमें, तो मैं इनसे ही लगाती हूँ। क्या बोला मैंने, ठीक है, ये लाल मिर्ची और हींग और लहसुन। अब यहाँ पे है ना मैं फ़िलहाल है ना मैं इन्हें डाल रही हूँ, ये हैं ग्रीन चिलीज यानी हरी मिर्च, मैं इसमें दो हरी मिर्च कट करी हुई बारीक डाल दूँगी ऐसे ही, और बस कुछ नहीं करना है। अब ये हमारा साग घुट चुका है और मैं इसे निकाल लूँगी इसमें से, और ऐसे ही इसे पकने दूँगी, इसे चलाते चलाते ताकि ये लग ना जाए, और अच्छे से पक चुका है। फिर भी मैं इसे 10-5 मिनट के लिए इसे और पका लूँगी, इतने मैं अपने आटे को रेडी कर लेती हूँ रोटी बनाने के लिए। ये मैंने घोटा एकदम मेहंदी की तरह है, आपको इसकी थिकिंग भी दिख रही होगी, पर ये ना ये इसमें मैंने जो मेथी दाना डाला था ना, तो वो मेथी दाने के अंदर का जो बीज होता है ना वो जल्दी से वो गल नहीं पाता है और वो घुट भी नहीं पाता, ये बीज चमक रहा है उसका जो अंदर का जो सीड्स होता है। तो यहाँ पर एकदम तैयार है, अब आप इसमें छोंक लगाइए और खाइए। यहाँ पे मैं छोंक अब नहीं लगा रही हूँ। सो गाइस आप लोगों तक पहुँचाने के लिए मैंने इतनी मेहनत से एडिटिंग की है वीडियो, तो एक लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है।